शाहजहापुर जिले के बेरचा थाना क्षेत्र के ग्राम पाडली काली सिंध पांडला निवासी किसान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक शिकायत आवेदन पुलिस अधीक्षक को सौंप कर बताया कि वह पाडली काली सिंध एवं पांडला में निवासरत है एवं खेती किसान कर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इन गाँव में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कई बार बोरचा थाना प्रभारी को भी मामले की शिकायत की गई, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। वहीं किसानों ने कहा कि अनुमानित 60 विद्युत मोटर करीब एक माह में चोरी हो चुकी है, जिस पर चर्चा पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जगदीश डाबर ने ग्रामीणों एवं किसानों को कहा कि जल्द ही वहाँ किसानों के गाँव का निरीक्षण करेंगे एवं उनकी समस्या का निराकरण करेंगे। हमारी बहुत दो से तीन महीने से परेशान हो रहे हैं हम किसान लोग। हमारी कम से कम 60 से 70 मोटर निकल चुकी है, और जो भी कोई साथ में हमारी टीम में आता है उसकी मोटर रात को निकल जाती है फाइनल। यहाँ तक के मतलब वो देख के मतलब देखते हैं कि कौन कौन गया इनके साथ में, कहीं भी गए या बेरचा गए या कहीं भी गए तो मोटर निकल जाती है। और बेरचा थाने में हम गए, लेकिन हमें वहाँ से संतुष्टि नहीं मिली, और हमारी FIR भी नहीं कटी, एक आध कटी है, तो उससे भी कोई संतोष हमें नहीं मिला, संतोषजनक जवाब उनसे भी TI साहब से। इसलिए हम आज हमें यहाँ तक आना पड़ा, और हमें मालूम पड़ा कि SP जी अभी नए आए, 2-3 दिन हुए, तो हमें ऐसा मालूम पड़ा कि यह काम अपना हो सकता है, इसलिए आए हम। और कम से कम मतलब महीने से अधिक हमें समय हो गया है, और हम किसान इतने परेशान हैं कि ग्राम पाडली और पाडला थाना बेरछा के अंतर्गत हमारी 60 से अधिक पानी की मोटर चोरी हो गई है, और एक किसान से 2 से 3 मोटर चोरी हो गई है, और आज तक कोई हल नहीं निकला सर। नए SP साहब जगदीश जी डाबर आए, उन्होंने हमें संतुष्टि भरा जवाब दिया है, और उन्होंने अतिशीघ्र कार्रवाई करने की आश्वासन भी दिया है। शाहजहापुर से दिलीप सौराष्ट्र की ये रिपोर्ट।